चार से विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है? और ये नियम क्यों याद करना है? देखिए, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो, गणित आसान हो, ये हम सभी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम को याद कर कर चलना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फास्ट होने लग जाएगी, क्योंकि आपको संख्या की पहचान होने लग जाएगी कि वो चार से विभाज्य है, तीन से, दो से, सात से, नौ से। तो इसका नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई से मिलकर बनी संख्या चार से विभाज्य या विभक्त हो रही है तो वह संख्या भी चार से विभक्त या विभाज्य है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि 32 हमारा चार से विभाज्य, इसको हम रख देते हैं इकाई और दहाई अंक के रूप में, आगे चाहे 8, 9 कुछ भी ले लो, ठीक है, ये चार से विभाज्य, इसमें हम चार का भाग देकर चेक कर सकते हैं, भाग गया दो बार 8 बन गया 18, 18 4 16, ठीक है, 4 16 और आपका 18 में से 16 गया, आ गया 2, उसके बाद आ गया आगे 23, 5 4 20, आगे फिर आपका आ गया 32, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाग इसमें आपका पूरे का पूरा गया है। ओके, समझ सकते हैं, क्या समझ आया कि हम देखेंगे कि जो इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या है वो क्या चार से विभाज्य है? यस, तो वो संख्या भी आपकी चार से विभाज्य है, ठीक है, आसान है। तो ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा यदि आप इसका अच्छे से अभ्यास करते हैं तो।